आज हमारे नेवी के 8 पूर्व सैनिकों को फांसी की सजा दे दी गई कतर में। औकात है कतर की? एक छोटा सा मुट्ठी भर देश और हमारे सैनिकों को वो फांसी की सजा दे रहा है। कहाँ चला गया आज विदेश मंत्रालय? कहाँ चले गए आज हमारे देश के प्रधानमंत्री डंकापति? देश के प्रधानमंत्री जी को शर्म आनी चाहिए कि उनकी तस्वीर रखकर उन्होंने वोट मांगे। क्या ये पॉलिटिक्स स्टंट नहीं है? आज वो अपना हक मांग रही हैं, उनकी औरतें हक मांग रही हैं, न्याय मांग रही हैं। जांच होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, आप मुझे बता दीजिए। पत्रकार हैं आप। एक पत्रकार जो एक मिड डे मील में स्कूल में जाके ये रिपोर्टिंग करता है कि वो नमक के साथ रोटी खा रहे हैं, उसको आप अंदर कर देते हो? एक पत्रकार जो अपने घर से चलता है एक कॉपी और डायरी लेके और हाथरस की वो कवर करने जाता है, उसको आप अंदर कर देते हो? और फिर आप ये कहते हो कि लोकतंत्र की हत्या नहीं कर रहे? अब एग्जाम होता है, डोटासरा जितने भी होते हैं एग्जाम वगैरह लीक हो जाते हैं पहले। बच्चे 3-4 साल से तैयारी करे जा रहे हैं। क्या बताइए, किसकी गलती है? आप बताइए किसकी गलती है? एग्जाम हो नहीं रहे, एग्जाम होते हैं तो वो लीक हो जाते हैं, आंसर शीट बच्चों के पास पहले आ जाती है, चीटिंग हो जा रही है, वो किसका लूप होल है? नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 1 इंडिया और मैं हूं आपके साथ आस्था तिवारी। राहुल गांधी और सत्यपाल मलिक के बीच हुए इंटरव्यू को लेकर के जिस तरीके से सियासत अपनी तरफ चरम सीमा पर है और उसको लेकर के सबसे गहन चर्चा जिन मुद्दों पर सत्यपाल मलिक ने बात करी है, फिर वो पुलवामा हमले पर हो, चाहे फिर वो राजनीति के गलियारे से निकलती आवाज़ हो या फिर आवाज़ हो उन किसानों भाइयों के लिए, अब इसको लेकर के आम जनता की क्या राय है इस पर भी चर्चा करेंगे। साथ ही साथ चर्चा ये भी करेंगे कि जिस तरीके से कांग्रेस की तरफ से ये बयान आया है कि अगर मायावती को अपने हिस्से में नहीं लाया गया, बसपा पार्टी को अपने खेमे में नहीं लाया गया, तो 2024 की लड़ाई एनडीए सरकार को हराने के लिए मुश्किल रहेगी। क्या कुछ रणनीति है, क्या कुछ तैयारी है, आइए चर्चा कर लेते हैं और जानने की कोशिश करते हैं क्या लग रहा है, किस तरीके से चीज़ों में बदलाव होना चाहिए। बदलाव तो होना ही चाहिए, कंपटीशन तो चाहे कोई भी पार्टी सत्ता में हो, जब तक कंपटीशन नहीं होगा तब तक किसी इंसान के अंदर से बेस्ट नहीं आ सकता। और आपने बोली मायावती की बात, मायावती दलित आज भी जो है वो मायावती से अलग नहीं समझता अपने आप को। अब मायावती की अगर देख, जो मेरी समझ के हिसाब से मेरे को ये लग रहा है कि वो एक पॉज मोड में है। उनको ये पता है कि अगर मैंने अब अपना साथ दे दिया या इंडिया का इंडिया अलायंस के साथ गई और पावर में बीजेपी आ गई तो ये कन्फर्म है कि उनकी हालत ख़राब होने वाली है, ईडी और सीबीआई उसके पीछे लगेगी। तो मेरे को ये लगता है कि जितनी मेरी समझ में है कि वो एक पॉज मोड में है कि पहले ये 5 स्टेटों में देखो, अगर 5 स्टेटों में 3 स्टेटों में भी कांग्रेस आ गई तो ये आप देख लेना हफ्ते के अंदर मायावती अनाउंस कर देगी कि मैं इंडिया की अलायंस के साथ हूँ। तो मतलब विधानसभा के चुनाव पे जो हम चर्चा कर रहे हैं कि वो रूपरेखा तैयार कर लेगा 2024 की, और कहीं ना कहीं ये विधानसभा चुनाव के जो परिणाम आएंगे वो बात से सहमत रखते हैं? तो है, ये सारे ये तो बीजेपी वाले खुद कह रहे हैं कि ये सेमीफाइनल है। ठीक है, पर है भी सेमीफाइनल ही है। ठीक है, मेहताब जी कैसे देख रहे हैं राहुल गांधी और सत्यपाल मलिक के बीच हुए इंटरव्यू को आप? देखिए, सत्यपाल मलिक और राहुल गांधी जी के जो बीच में वार्ता हुई है वो जितने भी उन्होंने एक आधे घंटे का इंटरव्यू है मैंने भी देखा है, वो जितनी भी बातें हुई वो बिल्कुल सही साबित हो रही है सत्यपाल मलिक जी की। क्योंकि उन्होंने ये भी कहा राहुल गांधी जी से कि अगर उनको एयरक्राफ्ट मुहैया हो जाते तो काश उनकी जान बच जाती। 4 महीने से पेंडिंग पड़ा हुआ था जो लेटर था मिनिस्ट्री में, उन्होंने ये अपनी तरफ से भी कहा कि अगर आप मुहैया नहीं करा सकते तो मैं दे दूँ। क्योंकि जब दिल्ली से टूरिस्ट घूमने जाते हैं या लड़के या बॉय जो लड़कियां होती हैं वो बर्फ़ में फंस जाती हैं तो उनको उन्होंने दिए भी हैं एयरक्राफ्ट, तो हमारे देश के जवान थे। लेकिन देखिए, किसानों को लेकर के भी सत्यपाल मलिक ने साफ कह दिया है कि अगर 2024 में भाजपा वापस आती है तो किसान पूरी तरीके से बर्बाद हो जाएगा। इसमें बिल्कुल सही कह रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप आज स्थिति देख लीजिए किसान की, क्या हालत है किसान की, और आए दिन हर साल कितनी आत्महत्या हो रही है, कि जितनी 10 साल में आत्महत्या किसान ने की है ना, 65 साल में इतनी आत्महत्या नहीं हुई होंगी जितनी 10 साल में हुई है। और आज पहली बार राहुल गांधी को एक सत्यपाल मलिक जी पत्रकार की जगह राहुल गांधी मतलब उनको इंटरव्यू लेना पड़ रहा है, तो आप देख लीजिए कितना लोकतंत्र खतरे में है, यानी कि विपक्ष की बिल्कुल नहीं सुनी नहीं जा रही। देखिए, लगातार तो ये बात कही जाती है, विपक्ष हमेशा ये बात कहता है लोकतंत्र खतरे में, लोकतंत्र खतरे में। आखिर लोकतंत्र किस तरीके से खतरे में है ये नहीं समझ में आता। इस तरीके से खतरे में है कि अगर मैं सही बात बोलूं या सही बोलना चाहूं तो आप एक पत्रकार के नाते आपका एक हक बनता है
कि आप जितना पक्ष से वार्ता करेंगे इतना विपक्ष से भी कीजिए, 50-50, यानी कि आप सिर्फ एक तरफा मसला चला रहे हैं, तो फिर क्या हुआ? लोकतंत्र खतरे में है या नहीं है, बताइए मुझे। लोकतंत्र खतरे में क्यों नहीं है, आप खुद देखो, एक पत्रकार जो एक मिड डे मील में स्कूल में जाके ये रिपोर्टिंग करता है कि वो नमक के साथ रोटी खा रहे हैं, उसको आप अंदर कर देते हो। एक पत्रकार जो अपने घर से चलता है एक कॉपी और डायरी लेके और हाथरस की वो कवर करने जाता है, उसको आप अंदर कर देते हो, और फिर आप ये कहते हो कि लोकतंत्र की हत्या नहीं कर रहे हो। अब 1% मान लिया सतपाल मलिक सारा झूठ बोल रहे हैं, लगाओ CBI, लगाओ EDI उनके पीछे, क्यों नहीं उन पर एक्शन हो रहा? क्योंकि उनको भी, सत्ताधारियों को भी ये पता है कि ये जो इंसान जो बोल रहा है वो सच बोल रहा है, और इंसान की क्रेडिबिलिटी बोलती है। सत्यनारायण मलिक एक नंबर के आदमी, आज तक एक रुपए का भी उनके नाक में कोई गबन का या किसी पैसे का इल्ज़ाम नहीं लगा। अगर वो इंसान गवर्नर होते हुए रह के, गवर्नर एक छोटी पोस्ट नहीं होती है, बहुत बड़ी पोस्ट होती है, वो रहते अगर इतने संगीन आरोप लगाए जा रहे हैं, तो इसमें अब इंसान लोटरों को सोचना पड़ेगा। लेकिन इस इंटरव्यू को संपूर्ण रूप से ये कह दिया गया है कि पूरा इंटरव्यू एक राजनीतिक स्टंटबाजी है और कुछ नहीं। पहले तो ये इंटरव्यू कहाँ था, ये तो दो पॉलिटिकल, जो एक गवर्नर साहब है, एक पॉलिटिकल ऑपोजिशन का सबसे रिपोर्टिंग, एक आपस में बातचीत हो रही है जनरल, और जो हम लोग करते हैं, हम लोग भी करते हैं, वो भी इंटरव्यू थोड़ा ना था, वो तो एक डिस्कशन कर रहे थे कि जिसको कहते हैं कि मैं पुलवामा में गया तो मेरे को ये बंद कर दिया, ये इंटरव्यू थोड़ा ना है, ये तो अपने एक दूसरे के जिसको विचार साझा। चर्चा तो यही है कि आखिर चुनाव के दरमियान ही क्यों ऐसी चर्चा हुई। मैडम आपने अभी, मैं जवाब दे दूंगा आपके सारे सवालों का, आपने पूछा है कि लोकतंत्र खतरे में कैसे, अगर एक पॉलिटिकल नेता को सत्यपाल मलिक का इंटरव्यू करने की जरूरत पड़ी तो क्यों पड़ी? सवाल सबसे बड़ा ये खड़ा होता है, वहाँ पे कोई मीडिया क्यों नहीं पहुँचा? सत्यपाल मलिक से ये सारे सवाल क्यों नहीं किए जो करने चाहिए थे? किसी ने किया? इवन आपने भी नहीं किया। करना चाहिए था या नहीं चाहिए था? तो लोकतंत्र पहले तो यहीं पर खतरा है। दूसरा लोकतंत्र खतरा है कि अगर विपक्ष किसी चीज़ की आवाज़ उठाती है तो सत्ता पक्ष अगर उसको दबाने की बात करेगी तब खतरे में। सत्ता पक्ष को हमेशा विपक्ष को साथ लेके चलना पड़ेगा, और विपक्ष जो आवाज़ उठाती है उसकी पूरी जानकारी विपक्ष को देना पड़ेगा सत्ता पक्ष को। लेकिन सत्ता पक्ष संपूर्ण रूप से क्या लगता है कि विपक्ष की आवाज़ दबाने का प्रयास करता है? अडानी के मैटर पे क्या है, मान लीजिए अडानी ने कोई घोटाला नहीं किया, मैं मानता हूँ, चलो कोई बात नहीं मान लेता, लेकिन पब्लिक डोमेन में तो आना चाहिए, उसकी जांच तो होनी चाहिए ना, सत्य है या गलत। लेकिन जांच भी जो नहीं होती है, जो जांच नहीं हो रही है, इसीलिए तो लोकतंत्र खतरे में है। ठीक है, क्या कह रहे हैं? अभी आपने कहा कि ये इंटरव्यू एक पॉलिटिकल मतलब स्टंट है, आप मुझे एक बात बताइए, अभी मेरे देश के पुलवामा हमले में 42 जवान शहीद हुए, देश के प्रधानमंत्री जी को शर्म आनी चाहिए कि उनकी तस्वीर रख कर उन्होंने वोट मांगे, क्या ये पॉलिटिक्स स्टंट नहीं है? आज वो अपना हक मांग रही हैं, उनकी औरतें हक मांग रही हैं, न्याय मांग रही हैं, जांच होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, आप मुझे बता दीजिए, पत्रकार हैं आप, होनी चाहिए, क्यों नहीं करा रहे कि कहीं ना कहीं इसमें आप खुद दोषी हैं? आप एक बार जांच तो कराइए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। आज हमारे नेवी के 8 पूर्व सैनिकों को फांसी की सज़ा दे दी गई कतर में, औकात है कतर की? एक छोटा सा मुट्ठी भर देश और हमारे सैनिकों को वो फांसी की सज़ा दे रहा है। कहाँ चला गया आज विदेश मंत्रालय, कहाँ चले गए आज हमारे देश के प्रधानमंत्री डंकापति, जो मीडिया मतलब बोलते बोलते थक नहीं पाती कि आज पूरे विदेश में उस वर्ल्ड में डंका बज रहा है, आज पूरी भारतीय जनता पार्टी कुंभकर्ण की नींद सोई हुई है, कहाँ चले गए? देखिए मतलब ओवैसी साहब का भी इसको लेकर के बयान आया था, उन्होंने कहा था कि एक तरफ कहते हैं कि मुस्लिम देशों से नरेंद्र मोदी का बहुत प्रेम है, लेकिन उसके बाद भी कतर में जो हो रहा है। मैं बात ओवैसी साहब की नहीं कर रहा, मुझे भी फिक्र है, मैं भी भारतीय हूँ, मैं भी यहाँ का एक नौजवान हूँ, मुझे उनकी फिक्र है। जब मोदी जी जंग बंद करा सकते हैं तो क्या उनकी फांसी की सजा को ख़त्म नहीं करा सकते? ये जितना भ्रम इस गोदी मीडिया ने देश को गुमराह करने का किया है ना, अगर देश की बर्बादी का नतीजा है तो ये गोदी मीडिया है, इतनी भारतीय जनता पार्टी नहीं है। तो मतलब आप ये मान रहे हैं कि लोकतंत्र जो संपूर्ण रूप से खतरे में आ रहा है, कहीं ना कहीं इसमें पत्रकार भी? बिल्कुल, अरे जाहिर सी बात है, देखिए आप भी एक पत्रकार हैं, आज आप मुझसे सच पूछ रही हैं तो बोल पा रहा हूँ, आप भी अगर मैं सच बोलूँगा तो आप हटा लीजिए माइक,
तो आप भी उसी उसमें श्रेणी में आ जाएंगी। क्लिप आपकी काट ही देंगे अंकल, सच बोलोगे तो आप। देखिए भैया से बात करिए, हमारे देश के युवा हैं आने वाले लोग। आजकल क्या हो गया, मीडिया रिप्रेजेंट बहुत ज्यादा गलत कर रही है। आप देखो क्लिप, आप अंकल ने जो बोला, आप ये क्लिप डालोगे नहीं मुझे पता है, क्योंकि अंकल ने सही बात बोली है। और सबसे बड़ा मुद्दा, मैं अगर मुझे डालनी नहीं होती तो मैं आज वार्तालाप ही क्यों कर रही हूं। इतनी क्लिप्स हैं, बहुत ये चार इंटरव्यू तो उधर चल रहे हैं, क्यों कोई डाल नहीं रहा पता है। और आज मैं खुद फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट हूँ, डॉक्टर हूँ मैं, और मैं आज RMC, आपको पता होगा, राष्ट्रीय मेडिकल काउंसलिंग के अगेंस्ट थोड़ा बोलना चाहता हूँ, क्योंकि हमारे आपको नहीं पता होगा, आप दिल्ली से होंगे, मैं राजस्थान से हूँ, हमारे वहाँ बच्चों को काउंसलिंग नहीं हो जा रही, जम्मू की, गुजरात की, पंजाब की, सबकी काउंसलिंग हो रही है, वो बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे हैं वहाँ पे, कुछ सरकार कुछ कर ही नहीं रही ना। अब ये सिर्फ ये लोग तो न्यूज़ दिखा नहीं रहे कौन 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 सफ़र कर रहा है, इवन डॉक्टर्स आके फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स सफ़र कर रहे हैं, वो भी छोटी छोटी बात, सिर्फ सीट्स नहीं मिल रही, उन बच्चों ने अपना एग्जाम पास कर लिया और बच्चों को यहाँ सीट अलॉट नहीं हो रही, हम करें क्या बताइए। राजस्थान में कहीं ना कहीं आत्महत्या का भी मामले लगातार बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। हाँ क्यों नहीं बढ़ेंगे, अब एग्जाम होता है डोटासरा, जितने भी होते हैं एग्जाम वगैरह लीक हो जाते हैं, पहले बच्चे तीन तीन चार चार साल से तैयारी करे जा रहे हैं, तो क्या बताइए किसकी गलती है, आप बताइए किसकी गलती है। एग्जाम हो नहीं रहे, एग्जाम होते हैं तो वो लीक हो जाते हैं, आंसर शीट बच्चों के पास पहले आ जाती है, चीटिंग हो जा रही है, वो किसका लूप होल है। देखिए मेहताब जी, जब भी ये सवाल उठता है तो सबसे पहले बात आ जाती है राज्य में किसकी सरकार। क्या करे देश का युवा, MA BA करे हुए ग्रेजुएट लड़के युवा यहाँ के, वो फाइलें लेके घूम रहे हैं, उनको नौकरी नहीं मिल पा रही है, बिल्कुल भी नहीं। मतलब एक MBBS हो, चाहे वो इंजीनियर हो, आर्किटेक्ट इंजीनियर, वो अपनी डिग्री लेकर घूम रहे हैं, उनको नौकरी नहीं मिल पा रही, तो ये अपनी सत्ता पक्ष की लड़ाई में देश के युवाओं को क्यों पीस रहे हैं। मैं सिर्फ यही सवाल करना चाहता हूँ, चाहे वो राज्य में सरकार हो या केंद्र में सरकार हो। सही